नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। अब भारतीय टीम के लिए धोनी खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। धोनी के इस फैसले के बाद उनके फैंस सन्न रह गए। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब धोनी ने अपने फैसले से फैंस को हैरान कर दिया। आइए जानते हैं धोनी के वो बड़े फैसले जिनसे हैरान रह गए उनके फैंस। 2007 T20 फाइनल का अंतिम ओवर, पहला T20 विश्व कप खेलने पहुंची टीम इंडिया फाइनल में पहुंच गई। धोनी ने फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी ओवर में मिसबाउल हक के सामने जोगिंदर शर्मा को गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा तो दर्शकों की सांसें थम गई। लेकिन धोनी का ये फैसला सही साबित हुआ और भारत विजेता बन गया। 2009 T20 विश्व कप में पूरी टीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, वीरेंद्र सहवाग और धोनी के बीच अनबन की खबरें चल रही थी। इंग्लैंड में हुए 2009 T20 विश्व कप से ठीक पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में धोनी पूरी टीम के साथ पहुंच गए। धोनी के इस फैसले से सब हैरान थे। 2011 विश्व कप फाइनल में युवराज से पहले उतरे। विश्व कप फाइनल में युवराज सिंह से पहले मैदान पर आकर धोनी ने बड़ा फैसला लिया था। धोनी का ये प्रयोग भी मील का पत्थर साबित हुआ और विजयी छक्का उन्होंने ही लगाया। भारत 28 साल बाद विश्व विजेता बना। 2014 ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच टेस्ट से संन्यास। फैंस और क्रिकेट जानकार उस वक्त हैरान रह गए जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बीच सीरीज में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। 4 टेस्ट की सीरीज का तीसरा मैच खत्म होते ही उन्होंने टेस्ट से संन्यास ले लिया। अचानक छोड़ी वनडे और T20 की कप्तानी। 4 जनवरी 2017 को धोनी ने अचानक T20 और वनडे की कप्तानी छोड़ने का फैसला कर लिया। ये फैसला भी क्रिकेट प्रेमियों को एक झटके की तरह लगा। 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। अब आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। महेंद्र सिंह धोनी ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर खुद के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। धोनी ने लिखा, आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए बहुत धन्यवाद। आज शाम 7:29 के बाद से मुझे रिटायर समझा जाए। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर।